चलिए बनाते हैं आलू की सब्जी, वो भी भंडारे स्टाइल में। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 4 मीडियम साइज के आलू जो मैंने उबाल के छील लिए हैं। टमाटर, यहाँ मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा। खड़े मसालों में हमें चाहिए 2 सूखी मिर्च, दालचीनी, तेज पत्ता और जीरा। जीरा मैंने 1 चम्मच लिया है, 1 चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, हींग 1 पिंच हींग, धनिया पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और ऑयल, 3 बड़े चम्मच तेल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। और मैंने टमाटर को काट लिया है और अब टमाटर, अदरक और मिर्च का मैं पेस्ट बना लूंगी, यानी पीस लूंगी। तो सबसे पहले मैं एक गैस पे कढ़ाई चढ़ाऊंगी। और सबसे पहले मैं ऐड करूंगी ऑयल, 3 बड़े चम्मच ऑयल। तो तेल गरम हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे सारे खड़े मसाले, यानी दालचीनी, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और जीरा। और साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूंगी हींग, एक पिंच हींग ऐड की मैंने, और इसे थोड़ी देर और मसाला अच्छे से पक गया है। और अब मैं इसमें डालूंगी हल्दी पाउडर। गैस बिल्कुल कम कर लेनी है ताकि हमारे मसाले जले नहीं। कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, और इसे अच्छे से मिलाएंगे। गैस बिल्कुल कम रखनी है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी जो टमाटर की प्यूरी मैंने बना के रखी है वो। गैस थोड़ा तेज करेंगे, यानी मीडियम। और मसालों को थोड़ी देर भुनने देंगे ताकि टमाटर भी थोड़ा सा अच्छे से पक जाए। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी अमचूर पाउडर और नमक। अच्छे से मिला लें। गैस मैंने थोड़ा सा कम किया है और अब मैं इस मसालों को 2 मिनट ढक के पकाऊंगी।
तो चलिए 2 मिनट हो गए हैं और अब चेक करते हैं मसालों को। मसाले पक गए हैं। आप चाहो तो इसमें लाल मिर्च पाउडर भी यूज कर सकते हो, जिस हिसाब से आपको स्पाइसी या तीखा खाना है, क्योंकि ये वाली सब्जी थोड़ी चटपटी और मतलब तीखी होती है। तो इसमें मैं ऐड करूंगी 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और अब मैं इसमें आलू डालूंगी। आलू को चाकू से नहीं काटना है, इसको बिल्कुल हाथ से ऐसे मोटा मोटा तोड़ लेना है। और अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आलू मसालों के साथ मिक्स हो गया है और अब हम थोड़ी सी गैस तेज करेंगे और 2 मिनट और इसे भूनेंगे। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। पानी आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, पर मैं इसमें 1 कप पानी यूज कर रही हूँ। जिस हिसाब से आपको ग्रेवी चाहिए, थिक या पतली, जैसे भी। और अब हम इसे 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे ढक के पकाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये काफी गाढ़ी हो गई है। तो अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला। और 2 से 3 मिनट थोड़ी देर और पकाऊंगी। इसमें गरम मसाले का ही स्वाद आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू की सब्जी बनकर रेडी है, वो भी भंडारे स्टाइल, और ये बहुत ही टेस्टी बनी है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं धनिया पत्ते के साथ। गैस मैंने ऑफ कर लिया है और अब इसे शिफ्ट करती हूँ किसी और बोल में। और अब हम इसे धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आलू की सब्जी भंडारा स्टाइल बनके रेडी है और ये बहुत टेस्टी बनी है। तो प्लीज इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को बजाना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भी बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।